जय हिंद एवरीवन। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। करंट अफेयर्स में इसलिए है क्योंकि इसके कैंपस को अभी पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है। ये एक हॉट टॉपिक है आप सभी के लिए, साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देख लेंगे। ठीक है जी, नालंदा यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी तीनों मिल करके एक ग्रेट सीट ऑफ लर्निंग हुआ करती थी। इंडिया में पूरे मतलब जो हमारे आसपास के देश हैं वहाँ से लोग आया करते थे, स्कॉलर्स आया करते थे और पढ़ाई करते थे। ठीक है, और फिर यहीं से अपनी सारी लर्निंग को ले जा करके अपनी कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने डेवलप किया। अगर हम इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसको कुमार गुप्त ने फाउंड किया था बिहार के अंदर 5th सेंचुरी में। ठीक है, अब ये 600 से लेकर के 12th सेंचुरी तक एक ग्रेट सीट ऑफ लर्निंग बनी रही। बुद्धिज़्म के साथ साथ यहाँ पर वैदिक कल्चर और आर्ट एंड आर्किटेक्चर की काफ़ी ज़्यादा बातें होती थी और काफ़ी लोग यहाँ पर आते थे और सीखते थे बातों को। हर्षवर्धन भी इसका पैटर्न था, पाला यूनिवर्सिटी जो है, धर्मपाल, गोपाल, वो भी इसके जो थे पैटर्न हुआ करते थे। इस यूनिवर्सिटी को काफ़ी प्यार मिला है और सभी राजाओं ने अपने अपने समय में यहाँ पर आर्किटेक्चर करवाया, मंदिर भी बनवाए और उनके सील्स और उनके जो सिक्के होते हैं उनके, वो भी खुदाई के दौरान मिले हैं। ठीक है जी, इस यूनिवर्सिटी को जो ख़त्म किया था वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक का एक जनरल था बख्तियार खलजी, उसने जब इस पर इन्वेड किया था तो उसने इसको जला दिया था, इस यूनिवर्सिटी को। ठीक है, इस बात का प्रमाण कहाँ से मिलता है, एक स्कॉलर हुआ करते थे मिनाज सिराज, ठीक है, और उनकी बुक थी तबाकत नसीरी, उसके अंदर ये प्रूफ मिलता है। वो खुद बोलते हैं कि बख्तियार खलजी ने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को सैक किया था, मतलब कि ख़त्म कर दिया था, और जो उसके सोल्जर्स थे वो बिहार को बिहार बोल रहे थे इसलिए बिहार स्टेट का नाम वहाँ से पड़ा है। ठीक है, अदरवाइज उसका नाम मगध हुआ करता था पहले, तो वहीं से बिहार निकल के आया नाम। साथ ही साथ एक स्कॉलर, बुद्धिस्ट स्कॉलर है तारानाथ के नाम से, उन्होंने भी ये बोला है कि औदंतापुरी और विक्रमशिला के ऊपर इन्वेड किया था बख्तियार खलजी ने। ठीक है, सतीश चंद्र जो कि एक हिस्टोरियन है और मोहम्मद हबीब, वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस बात को बताते हैं कि बख्तियार खलजी ने इन्वेड किया था और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो सीट ऑफ लर्निंग थी। यहाँ से जो मॉन्क्स थे वो यहाँ से चले गए थे और वापस कभी नहीं आए। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि इस पुरानी यूनिवर्सिटी को हम रेनोवेट करवाएंगे, रिन्यू करेंगे और इसको नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम देंगे, राजगीर में इसको एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, और ये हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इसको कहा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब इसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो में बात करूंगा कि हमारे भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की लिस्ट कौन सी है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, दूसरी वीडियो में बात करेंगे, आज नहीं चलेंगे जी। तो जो ये था ना आपका, ये जो यूनिवर्सिटी दोबारा से बन रही है नालंदा यूनिवर्सिटी, ये 2007 में एक रेजोल्यूशन आया था। सबसे पहले ना ईस्ट एशिया समिट हुआ था, उसके 16 मेंबर ने ये बोला था कि हमें नालंदा को रेनोवेट करना चाहिए क्योंकि बुद्धिस्ट मॉन्क्स, बुद्धिस्ट कंट्रीज़ हैं ये सारी की सारी, तो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है, यहीं से सारी चीज़ें जो थी फैली थी, तो वहाँ की कंट्रीज़ के अंदर भी पढ़ाया जाता है नालंदा के बारे में। तो उन्होंने बोला था कि हमें नालंदा को रेनोवेट करना है। तो 2009 के अंदर जो 4th समिट हुई थी, ईस्ट एशिया समिट, उसके अंदर एशियन मेंबर्स भी थे, उस इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कोरिया, सिंगापुर एंड जापान, उन्होंने भी बोला था कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ बिहार को जो थी वो ज़मीन मिली बिहार के अंदर राजगीर में, और यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के साथ उस टाइम पर जो थे एसएम कृष्णा हुआ करते थे, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने बोला कि हमें फ़ंड्स की ज़रूरत है और उसके बारे में हमें फ़ंड्स एलोकेट करवाइए। ठीक है, तो इसकी जो लोकेशन है वो क्या है, नालंदा जो है वो राजगीर से 16 किलोमीटर दूर है, जो महाविहार हुआ करता था, है ना, 16 किलोमीटर दूर है नॉर्थ में, और जो आपके साउथ ईस्ट में पटना है। नेशनल हाईवे कौन कौन से जुड़ते हैं जी, 31, 20 और 120 इंडिया के नेशनल हाईवे वेल कनेक्टेड है नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ और महाविहार के साथ भी, और एक इम्पॉर्टेंट सीट है बोधगया, क्योंकि जहाँ पर आपके सरमन, जहाँ पर निर्वाणा अचीव किया था आपके गौतम बुद्ध ने, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट साइट है, उसके साथ वेल कनेक्टेड है ये। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप मान करके चलिए कि कौन कौन सी कितनी इम्पोर्टेंट मतलब यूनिवर्सिटी है, मान के चलिए आप। पहले तो मानिए कि इसको जो एस्टैब्लिश करवाया था वो गुप्ता पीरियड के अंदर इसका एस्टैब्लिश हुआ था, तो एक नाम निकल के आता है डिफरेंट डिफरेंट सील्स में, जो खुदाई के टाइम पर सील मिली है, सिक्के मिले, उसमें शक्र आदित्य के नाम से पता लगता है कि एक राजा थे शक्र आदित्य, उन्होंने इसकी नींव रखी थी।
तो फिर जो सिक्के मिले बाद में पता लगा कि शक्रदित्य कोई और नहीं कुमार गुप्त ही हैं, कुमार गुप्त वन, ठीक है। बाद में जो सक्सेसर्स थे कुमार गुप्त के, जैसे बुद्ध गुप्त, तथागत गुप्त, बलादित्य, वज्र, इन सब ने जो थे बिल्डिंग्स भी बनाई, मोनेस्ट्रीज भी बनाई, टेम्पल्स भी बनाए, और इस यूनिवर्सिटी को काफ़ी फैलाया। चाइना से एक जुआंग जेंग के नाम से एक ट्रैवलर आए थे, जुआंग जेंग कोई और नहीं थे, जुआंग जेंग हम ह्यू सांग के नाम से जानते हैं उसको, ठीक है। तो ये भी साथ साथ देखिए कि कौन कौन से चाइनीज ट्रैवलर्स जो थे वो भारत में आए थे और विजिट किया था उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में। तो जुआंग जेंग जिनको हम ह्यू सांग के नाम से जानते हैं, फा येन भी आए थे, और आई सिंह को यिजिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले फा येन आया था, फिर ह्यू सांग आए थे, और फिर ये जिंग आया था जिसको आई सिंह के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, इसको आपने जरूर जरूर देख लेना है, नोट डाउन कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो ह्यू जांग है, मतलब कि ह्यू सांग, वो कहते हैं कि जो वैदिक कल्चर है, वैदिक लर्निंग है ना, उसने काफ़ी हेल्प करी इस इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करने में, इसकी फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ नालंदा के साथ साथ तक्षशिला और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के अंदर जो टीचिंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, वैदिक कल्चर से लेकर के इंडिया के पूरे जो कंटेम्प्रेरी पीरियड का कल्चर है उसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ ही साथ आयुर्वेदा, रिलीजन, बुद्धिज़्म, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, ये सभी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाती थी। इसको जो रीडिस्कवर किया ना बख्तियार खलजी ने, तो डिस्ट्रॉय कर दिया था इसको, फिर रीडिस्कवर किया एक स्कॉटिश सर्वेयर थे फ्रांसिस बुचानन हैमिल्टन के नाम से, उन्होंने 1812 में इसको दोबारा से खोजा, ठीक है। और इस साइट को आइडेंटिफाई किया, उस टाइम पर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थी वो नई नई बनी थी, तो अलेक्जेंडर कनिंगम ने भी उसको बोला कि ऐसी कोई साइट है, हमें इसके ऊपर इसको मतलब अपने जो रिकॉर्ड्स है उसमें डालना चाहिए, ठीक है। गुप्ता पीरियड के बाद जितने भी डायनेस्टीज आई उन्होंने भी सपोर्ट किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को, जैसे कि पालाज, पालाज जो थे लेकिन वो एक वज्रयान बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, ठीक है। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मोनेस्ट्रीज बनाई थी जगदल्ला के अंदर, औदन्तापुरी, सोमपुर और विक्रमशिला के अंदर, जिसका उल्लेख जो है मिलता है आपके मिनाज सिराज तबाकत नसीरी, तबाकत नसीरी बुक का नाम है, मिनहाज ने वो लिखी थी, ठीक है। उसके अंदर की बख्तियार खलजी ने औदन्तापुरी और विक्रमशिला जितनी भी मोनेस्ट्रीज यहाँ बनी थी ना, सबको उसने सैक कर दिया था, तबाह कर दिया था, तोड़ फोड़ दिया था, ठीक है। औदन्तापुरी को गोपाल ने एस्टेब्लिश किया था, फाउंड किया था। धर्मपाल और देवपाल भी एक्टिव पैट्रंस थे, और जब जब भी किसी ने भी, जैसे कि हूणों ने भी इसके ऊपर अटैक किया, ठीक है, जैसे कि गोड़ा जो एक राजा हुआ करते थे उन्होंने भी इसके ऊपर अटैक किया था, जब भी कोई अटैक हुआ है तो इन्होंने इसको रेनोवेट करवाया है, बार बार इस सब चीज़ों का पता लगता है किसी ना किसी इंस्क्रिप्शन के बारे में। अभी जून 19, 2024 में क्या हुआ, पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया नया कैंपस नालंदा यूनिवर्सिटी का, और वो जो कैंपस होगा ना उसकी खासियत ये है कि वो पूरा का पूरा ग्रीन मतलब इको फ्रेंडली होगा ना, तो उसके अंदर जो बिजली आएगी वो थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रोलॉजिकल तरीके से आएगी, वो एकदम जैसे कि सोलर सिस्टम से आएगी पूरी की पूरी, ठीक है। क्लीन एनर्जी से आएगी, रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी, उससे कोई पोल्यूशन नहीं होगा, किसी तरीके का कोई हजार्डियस वर्क नहीं होगा, ठीक है। साथ ही साथ जो भी वहाँ पर ऐश वगैरह इस्तेमाल की गई है तो वो भी आपकी मान के चलिए कि किसी भी तरीके से उससे पॉल्यूशन नहीं हुआ है, तो ये खास बात है कि वो एक इको फ्रेंडली सारा का सारा मटेरियल जो है वो एस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है जी। तो 17 मेंबर कंट्रीज़ का सपोर्ट है, साथ ही साथ जो कि एशियन और ईस्ट एशिया समिट के पार्टनर्स हैं या फिर ऑब्जर्वेटरी अभी स्टेटस है जिनके पास। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जिसकी पूरी दुनिया में बात होती है कि यहाँ पर जो मोनोलॉग्स मिलते हैं, जो डायलॉग्स मिलते हैं, जो मैन्यूस्क्रिप्ट मिलती है, जो बुक्स मिलती है, वो 90 लाख किताबें थी यहाँ पर, ठीक है जी। और वहाँ पर जो बैठने की जो स्ट्रेंथ थी 90 लाख जो बुक्स हैं, तो उतनी ही लगभग मान करके चले कि सिटिंग भी होगी बैठने की लगभग उसके आसपास भी, ठीक है। और जो लाइब्रेरी थी उसका नाम था धर्मगूंज, ठीक है, धर्मगंज या धर्मगूंज, दोनों ही नाम आए अगर आपके एग्जामिनेशन पे, तो आपने ध्यान रखना है कि धर्मगंज और धर्मगूंज लाइब्रेरी है नालंदा यूनिवर्सिटी की, ठीक है। और 90 लाख बुक्स हुआ करती थी। और गुप्ता पीरियड के साथ साथ हर्षवर्धन और पाला, ये जो डायनेस्टीज थी बैक टू बैक आई थी, उन्होंने इसको रेनोवेट भी करवाया था और वहाँ पर आर्किटेक्चर भी बनवाया था, नॉट ओनली बुद्धिज़्म, वहाँ पर वैदिक कल्चर और हिंदुज़म की भी एक इम्पोर्टेंट सीट थी। ये बातें जो है हमें क्वाइंस से पता लगती है, सील से पता लगती है, साथ ही साथ जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, जैसे कि आपने इस यहाँ पर देखा
ह्यूशांग, जिसको ज्वैंग जैंग के नाम से जानते हैं, उसके जो आर्किटेक्चरल जो उसके हम सॉरी उसके जो लिटरेचर सोर्स है उससे पता लगती है सारी बातें। ठीक है, क्लियर है जी? तो ये थी इंपॉर्टेंट बातें नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। क्वेश्चन आए तो हिट जरूर करके आना दोस्तों। ठीक है, चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।